अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑर्डर प्रोटोरा को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा ऑर्डर है, बहुत ही स्मॉल है। तो ऑर्डर प्रोटोरा में जितने भी मतलब इंसेक्ट्स होते हैं उनमें सिंगल टेल पाया जाता है, और उस टेल को हम क्या कहते हैं, टेल्सन टेल कहते हैं। ये एक पिग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये कि एंड की तरफ से नुकीला होता है, जैसे कि ये देख लें, ठीक है, एंड की तरफ से ऐसे नुकीला होता है। और यहाँ इस ऑर्डर प्रोटोरा में मतलब जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं उनकी साइज़ 0.5 to 2 mm उनकी साइज़ होती है। मतलब बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, उनकी जो हर एक जो साइज़ है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। और उसके बाद हम इनको कॉमनली हम क्या कहते हैं, प्रोटोरेंस कहते हैं, ठीक है। और इसमें इसके एग्जांपल में ए सिरिंटेलस है और बारबेरी इसकी एग्जांपल है। और अगर हम बात करें इनमें मतलब जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, आई मतलब हेड, थोरेक्स और एब्डोमिन। तो हेड में अगर हम बात करें तो इसमें जो आइज़ होती हैं वो अब्सेंट होती हैं, और एंटीना भी इसमें क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। और इसमें कोन शेप्ड हेड होती है, जैसे कि ये देखें कि इसकी जो हेड है वो क्या होती है, कोन शेप्ड होती है, ठीक है। और इसमें जो अगर हम माउथ की बात करें, माउथ क्या होती है, इनमें पायरसिंग टाइप होती है और एंटोगेनेथस होती है। मतलब ये कि इसमें जो मैंडिबल्स होते हैं वो विद इन द माउथ, मतलब इनसाइड अंदर की तरफ से होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये देखें इसके जो मतलब थोरेक्स की बात करें तो उसमें प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। अब प्रोथोरेक्स पे जो लेग्स होते हैं वो मतलब फॉरवर्ड मूव करते हैं, मतलब बिल्कुल आगे की तरफ होते हैं, और पता नहीं चलता कि ये लेग्स है या फिर क्या है, एंटीना है, ठीक है। और उसके अलावा जो ना इस पे जो प्रोथोरेक्स पे जो लेग होंगे उन्हें प्रोलेग्स कहेंगे, इसी तरह से मेसो और मेटालेग्स उनको इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनमें जो निम्फ होता है उस निम्फ को हम क्या कहते हैं, प्रोटो निम्फ कहते हैं। वो 8 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें जो निम्फ स्टेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटो निम्फ बोलते हैं, और वो 8 सेगमेंट्स पर, एब्डोमिन के 8 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। और इसी तरह से फिर उसमें क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता एडिशन ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट्स होती है। फिर मतलब 8 है, ड्यू क्या होगा, 9 सेगमेंट होगा, ट्राई कितना होगा, 10 होगा। और फिर जब 11th सेगमेंट आएगा तब जो वो इंसेक्ट है वो क्या कहलाएगा, एडल्ट कहलाएगा, ठीक है। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एनामॉर्फोसिस कहते हैं, कि एडिशन ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एनामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ना ये कहाँ रहते हैं, ये मॉइस्ट प्लेसेस पे, लीफ लिटर पे रहते हैं, और वहाँ पता है ये डिकम्पोजर के तौर पर काम करते हैं, कि जो लीफ लिटर है उनको डेड मतलब जो डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर है उसमें वो क्या कर देते हैं, इनको तोड़ देते हैं।